हाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक दूंगा जो कि आपको कंपाउंड्स बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट योर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में एक जनरल पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड और इंक्रीज हो रहा है। पहले से एक बॉन्ड था, ठीक है, मतलब ये मैंने एक एल्कोहल बना दिया, ठीक है। पहले से एक डबल बॉन्ड था, पहले से एक सिंगल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। और अब क्या हो रहा है, देयर इज क्लीवेज ऑफ एन ओ एच एंड सी एच बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सर क्लीवेज शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। और ब्रेकेज हो रही है तो क्या बन रहा है सर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, ये चीज़ आपको समझनी है और यही इस चीज़ का पूरा जिस्ट है। चलो बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन डिटेल। तो प्राइमरी एल्कोहल, ये मैंने एक प्राइमरी एल्कोहल आपको शो कर रखा है। प्राइमरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स एंड एल्डिहाइड, फॉर्म्स एंड एल्डिहाइड लिख लेना, एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स एंड एसिड। सो ए फॉर एल्डिहाइड, ए फॉर एसिड, है ना, एक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, एल्डिहाइड एंड एसिड। अब प्रोसेस हो कैसे रहा है, अब प्रोसेस हो कैसे रहा है, स्टूडेंट्स याद रखना, स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, देयर इज एन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ कार्बन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों लोन पेयर है, देयर इज अ लोन पेयर प्रेजेंट ओवर ऑक्सीजन। सो होता क्या है, दिस ऑक्सीजन डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू कार्बन। अब कार्बन को क्यों डोनेट करेगा, बिकॉज कार्बन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा है। सो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है। सो ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या होगा, यहाँ पर साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन ऑफ एन डबल बॉन्ड विद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, मतलब ये वाला हाइड्रोजन आइटम बाहर चला जाएगा बिकॉज इट इज़ अ लीविंग ग्रुप, ठीक है। क्योंकि कार्बन चार से ज़्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, चार से ज़्यादा तो रिश्तेदार तो रख नहीं सकता अपने साथ, तो एक रिश्तेदार को उसको बाहर भेजना पड़ेगा जो कि हाइड्रोजन को ये वहाँ से भेज देता है। सो आपको फाइनली ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल्स की। सेकेंडरी एल्कोहल्स में हो क्या रहा है सर, सेकेंडरी एल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर, आर, इसको आर डैश ले लेता हूँ, तो यहाँ आर डैश और यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब कि हमें एक कीटोन मिल रहा है। ध्यान से देखना, प्राइमरी एल्कोहल के साथ वी गॉट एन एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ व्हाट वी ऑब्टेन्ड वॉज अ कीटोन। अब यही कीटोन सर फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, यही कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, नोट कर लो। नो ऑक्सीडेशन अकर्स या नो ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉट पॉसिबल। तो सर होता क्या है सर, अगर यहाँ पर आपको रिएजेंट दे दिया KMnO4, यहाँ पर आपको रिएजेंट दे दिया KMnO4 और विग्रस कंडीशंस दे दी हैं, मतलब यहाँ पर KMnO4 भी तीन टाइप का होता है सर, लेकिन आपको क्या दे रखा है सर, हॉट KMnO4, ठीक है, याद रखना। जब जब विग्रस कंडीशंस या हॉट KMnO4 आपको दे दिया, तब आप सेकेंडरी एल्कोहल्स में इस कीटोन प्रोडक्ट के बाद कुछ सोच सकते हो, इस कीटोन प्रोडक्ट के बाद कुछ सोच सकते हो। वो जो चीज़ सोचनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। अगर ये वाला रिएजेंट दे दिया तब कुछ आगे सोचना है, वरना नहीं सोचना। अब बात करते हैं टर्शरी एल्कोहल्स की।
सर टर्शरी अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या करते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इनका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अंदर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज दे ऑल्सो डू नॉट शो एनी ऑक्सीडेशन, लिख लो, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ हमें इस टोटल पूरे पैराग्राफ में से क्या समझ में आई, एक चीज़ ये समझ में आई सर कि ऑक्सीडेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एटम थे, तो दो बार ऑक्सीडेशन हमने देखी है कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ सर, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर सर एक ही हाइड्रोजन था तो सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन हमें दिखा नहीं इस कार्बन के साथ तो ऑक्सीडेशन हुई ही नहीं, ऑक्सीडेशन हुई ही नहीं। मतलब टोटली ऑक्सीडेशन किस पे डिपेंड कर रहा है सर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में, ठीक है। सर बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, हाँ तो सबके बारे में ना हम लोग यहाँ बात करेंगे, सबके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। मैंने क्या ले लिया सर, एक प्राइमरी अल्कोहल को ले लिया है, मैंने क्या ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल को अपने पास ले लिया है। अब प्राइमरी अल्कोहल सर दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, एक तो सर माइल्ड हो गया, एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग। अब माइल्ड से जब आप रिएक्ट कराते हो, माइल्ड से जब आप रिएक्ट कराते हो सर, तो किस टाइप का कंपाउंड बनता है सर, एक हमें एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो माइल्ड से जब जब रिएक्शन होती है हमें क्या मिलता है सर, वी गेट एन एल्डिहाइड। लेकिन जब जब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सामने आ जाता है तो बीच में जो एल्डिहाइड बनता है ना उस स्टेप को कट्टा लगा देता है, मतलब उस स्टेप से जंप करके वो सीधे एक एसिड फॉर्म कर देता है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो वो एक सीधे आपको एसिड फॉर्मेशन शो करके दिखा देगा, गॉट इट गाइस। तो ये तो सिंपल था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले तो क्या होगा। अब इनके अंदर इनके कौन कौन से भाई बहन आते हैं, अब हमें उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं इसका नोट बनाओ। सबसे पहले जब जब आपको सर क्रोमिक ऑक्साइड दिखे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट करते हैं 573 डिग्री केल्विन पे, और तीसरी चीज़ PCC इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। PCC क्या हुआ सर, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC इज इक्वल टू पिरी डीनियम क्लोरो क्लोरो क्रोमेट। तो सर PCC क्या हो गया बच्चों, PCC हो गया पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। ये तो हो गए आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं CR क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ध्यान से देखना H+ लिखा है एसिड, यहाँ पर CH2Cl2 है, फिर H2CrO4, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड फाइनली KMnO4 एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। सो एक चीज़ आप ध्यान देना, जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो एसिडिक कंडीशन में है, ये चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। एक टाइप से पहचान हो जाएगी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, फाइन गाइस। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया है, उसमें मैंने आपको दो रिएजेंट्स दिए, पहला रिएजेंट कैसा दिया सर PCC, दूसरा रिएजेंट क्या दिया मैंने CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके बताना है सर प्रोडक्ट क्या बनेगा।
ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एसिड बनेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं वहाँ देख लूँगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को नोट करना चाहिए सर, क्रोमिक ऑक्साइड हमेशा एनहाइड्रस मीडियम में ही काम करता है। क्रोमिक ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन एनहाइड्रस मीडियम। एनहाइड्रस मीडियम मतलब पानी की एब्सेंस में, ये चीज़ याद कर लेना, ये चीज़ याद कर लेना। एनसीईआरटी ने भी इसको रिएक्शंस में मेंशन किया है। एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसको रिएक्शंस में मेंशन किया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट की, जो कि है हमारा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के बारे में अब हमने इस लेक्चर में बात करनी है फाइनली। सो हेडिंग डालो, पिरी डियम क्लोरो क्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को क्या कहते हैं हम? हम इसको छोटे में कहते हैं सर पीसीसी। अब पीसीसी किसका मिक्सचर है? पीसीसी मिक्सचर किसका है? सो सर पीसीसी मिक्सचर है आपका सर, सबसे पहले पिरिडियम लिखा है, सो लिख लो सबसे पहले पिरिडियम, फिर क्या है HCl का मिक्सचर, फिर क्या है क्रोमेट CrO3। गॉट इट, CrO3। तो मिक्सचर किस किसका है? पिरिडीनियम, HCl और CrO3। अब बात करते हैं इसके साथ एक कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन की। तो PCC हमने बात करी थी, PCC के बारे में हमने बात करा था कि PCC एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो क्या कन्वर्ट करता है, कैसे रहता है? तो वो एक प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा सर? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। एक मिनट थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट करेगा? प्राइमरी अल्कोहल को इट कन्वर्ट्स इट इनटू अल्कोहल। ठीक, एल्डिहाइड, सॉरी। सो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है सर? ये एल्डिहाइड में। ठीक है, सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं टर्शरी अल्कोहल्स के बारे में बताऊंगा और रिएक्शन विद KMnO4 के बारे में। फिर कॉपर को हीट जब करते हैं उसके बारे में सब कुछ बात आगे होगी। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड।